क्या शॉप से तो होंगी, सारे मॉल सेम होते हैं, इतना कुछ अंतर तो होता नहीं है। चले फिर ट्रैकिंग पे। विंसी बिलोरी और उनका पूरा ग्रुप आ रखा है नीचे, सेल्फी चल रही है, केकड़ा भाई भी घूम रहा है नीचे। यहाँ पे मेट्रो भी है, और मेट्रो नहीं है वो, मेट्रो निडाजोल है। तो राशि आज हम कहाँ जा रहे हैं? सेंट्रियो मॉल जा रहे हैं, जो कि हाथी बड़कला में है और पासपोर्ट ऑफिस के पास पड़ता है, और हम वहाँ पे देखेंगे मस्त मस्त चीज़ें, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। तो फिर चलो आप लोगों को लेके चलता हूँ, नया खुला है, देख के आते हैं कैसा है, पैसिफिक जैसी है या कुछ नया देखने को मिलता है। चलिए फिर डायरेक्ट अब आपको वहीं दिखाते हैं। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं सेंट्रियो मॉल, जहां जाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये है इसका मेन गेट, जो कि नीचे आपको पार्किंग की ओर लेके जाएगा, और पार्किंग में काफ़ी सफिशियंट अमाउंट में गार्ड्स अवेलेबल थे, जो कि आपको गाइड कर रहे थे आपको कहां पे अपनी व्हीकल को पार्क करना है। ऐसा नहीं कि आप खुद ही ढूंढ रहे हैं कहां पे आपको जगह मिलेगी और वहां पे गाड़ी लगाएंगे आप अपनी। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी अभी, क्योंकि नया नया खुला है तो सबके सब इतने बढ़िया, और फ्री पार्किंग भाई, और काफ़ी अच्छी तरीके से सबके सब गाइड कर रहे हैं कहाँ पे लगानी है क्या लगानी है, काफ़ी अच्छा है अभी फ़िलहाल क्योंकि नया है। तो भाई ये रहा अंदर से। तो पार्किंग से ऊपर आते हुए आपको कुछ इस तरीके का विजुअल इम्प्रेशन मिलने वाला है। क्या मैं दिख रहा हूँ? तो हम आ चुके हैं मॉल के अंदर, और काफ़ी बढ़िया बना रखा है इन्होंने। तो कैसा लग रहा है राशि अभी फिलहाल? अच्छा लगा। 5 फ्लोर का है, पिछले 5-6 सालों से बन रहा था ये, अब जाके कंप्लीट हुआ है, काफ़ी टाइम हो गए हैं, बट अब जाके बढ़िया लग रहा है। अभी इसकी ओपनिंग हुई है तो देखते हैं, अभी घूमते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि क्या शॉप्स तो होंगी, सारे मॉल सेम होते हैं, इतना कुछ अंतर तो होता नहीं है। और यहाँ नीचे पे इन्होंने साथ में डेकोरेट कर रखा है, और जो इन्होंने यहाँ पे विंडो बना रखी है ये बहुत प्यारी बना रखी है। यहाँ से पूरा बाहर का ट्रैफिक जो जा रहा है सब कुछ, ऊपर से आप सीसीटीवी बन सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन कहाँ जा रहा है। यहाँ पे मेट्रो भी है, और मेट्रो नहीं है वो, मेट्रो निडाजोल है। यहाँ पे मीना बाजार, और इसके बगल में ओरिलिया भी है। और ओरिलिया ये वही है ना जिससे तूने अपनी मौसी का सूट गिरवी लिया था? अबे यहाँ सरदार दोरा भाई। और ट्यूसडे के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ट्यूसडे को हाफ प्राइस, हर चीज़ का हाफ प्राइस है, और यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स हैं आप खेल सकते हो कोई भी। और इनकी स्कीम कुछ इस तरीके की है कि आपको 1000 रुपये का एक कार्ड बनाना पड़ेगा, 1000 का भी है और 600 का भी है, एक इनका टाइम जोन कार्ड बनेगा, उसमें अगर 600 वाला है उसमें 510 बैलेंस मिलेगा, और 1000 पे 1000 का ही बैलेंस मिलेगा, फिर उसके बाद आप यहाँ आके टोकन वगैरह ले सकते हो उस कार्ड से और खेल सकते हो अपने सारे गेम। घोड़े में बैठेगी राशि, घोड़े में बैठेगी। पार्टी करने के लिए बच्चों के सबसे बढ़िया, सारे के सारे बच्चों को यहाँ लेके आओ, और साथ में वो गेम भी खेलते रहेंगे और उनकी बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट हो जाएगी। हाय बोल शुभम, और हाउस ऑफ कैंडी से ये शुभम कपूर। तो देहरादून में एक और PVR खुलने वाला है, जो कि इस मॉल के अंदर है। अभी फ़िलहाल इस मॉल में सारे स्टोर्स फंक्शनल नहीं हैं, बहुत जल्द सारे के सारे खुल जाएंगे, सबका काम चल रहा है, और साथ में ऊपर फूड कोर्ट में भी अभी काफ़ी सारा काम बाकी है। हर बार की तरह वही 5 मिनट में आ जाऊंगी और फिर उसके बाद यहीं चिपक गई। हर एक हटा हटा के देखना इसे, सारे हटा हटा के देख ले कौन सा उसके पीछे क्या है, चेक कर रही हूँ, चेक ही करती रहती है। एडवेंचरस। चले फिर ट्रैकिंग पे। तो भाई कोई इंटर्नशिप कर रहा है देहरादून में कोई भी, फिर शूज़ तो तुम पहनोगे नहीं, तुम्हें क्रॉक्स चाहिए होंगे। तो ये देखो यहाँ ये भी है, शॉप है, यहाँ से लेके जाना। विंसी बिलोरी और उनका पूरा ग्रुप आ रखा है नीचे, सेल्फी चल रही है, केकड़ा भाई भी घूम रहा है नीचे। अरे कितना ऊपर जा रही है, पार्लर चले जाना। तो भाई जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ है, भले ही वो क्लास में फेल भी होते हो, वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आके पढ़ भी सकते हैं। क्या बोलेगा, भूख लग रही है, थकान भी लगने लग गई अब तो, और कुछ भी।
और सबसे फेवरेट पार्ट मेरा यही रहता है, कहीं भी घूमने जाओ खाने का सबसे बढ़िया मज़ा तो इसी में आता है खाने का। अभी तो फ़िलहाल यहाँ ज़्यादा कोई वो खुला नहीं है, बस एक ये डोमिनोज ही है और अब हम खाते हैं अपना ये और फिर चलते हैं घर की ओर सीधे। तो घूम चुके हैं हम पूरे शॉपिंग मॉल में, देख लिया है अभी काफ़ी सारी दुकानें खुली नहीं है, ऊपर फूड कोर्ट में तो सिर्फ एक डोमिनोज ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है और फिर भी काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे। अब रात के टाइम पे वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट्स वगैरह काफ़ी सुंदर लग रहा है रात के टाइम पे। बस अब चलते हैं घर और आप लोग आ सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो यहाँ पे लगी वो यहाँ का गेमिंग पार्लर था, काफ़ी बढ़िया है, जिनके बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और खाने वाने का भी अभी जब पूरी तरीके से खुल जाएगा उसके बाद पता चलेगा, पीवीआर भी अभी खुला नहीं है, अभी खुलना बाकी है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जैसे हम बोलते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।